नमस्ते छात्र, अब हम एक व्याकरण पढ़ लेंगे। इस व्याकरण का नाम है संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इस सब विषय को हमने पिछले वर्ग में पढ़े थे। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनमें स्वर संधि के बारे में पिछले वर्ग में पढ़े थे। अब हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इसके बारे में अब हम देख लेंगे। व्यंजन संधि। व्यंजन के सा व्यंजन या स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर, ये सब स्वर है। अ आ, ई ई, उ ऊ, रु, ए ऐ, ओ औ, ये सब स्वर है। ये व्यंजन है। क क ग ग ञ, च च ज ज ञ, ट ट ड ड न, त त द द न, प फ ब ब म, य र ल व, ये सब व्यंजन है। व्यंजन संधि इसका अर्थ है व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल को व्यंजन है। अब पढ़े ना क क ग ग ञ, ये सब इस तरह है ना, ये सब व्यंजन है। ये व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर। स्वर क्या है? अ आ, ई ई, उ ऊ, रु, ए ऐ, ओ औ, ये सब स्वर है। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम उदाहरण देख लेंगे। सत प्लस जन, क्या लिखना है? सज्जन। भगवत, ये व्यंजन है। भगवत है ना, त व्यंजन है। प्लस दर्शन, ये द है ना, ये व्यंजन है। इस तरह व्यंजन के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। भगवत प्लस दर्शन, भगवत दर्शन। तत् प्लस लीन, तल्लीन लिखना है। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ लिखना है। वाक प्लस ईश, वाक ईश, वागीश ऐसा लिखना है। इस तरह व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। स्व प्लस चन, स्वच्छन। सम प्लस कल्प,
संकल्प लिखना है, साइन प्लस और संहार लिखना है, साइन प्लस और संहार। सम प्लस योग, संयोग, सम प्लस योग, संयोग। अभी प्लस शेक, अभिषेक ऐसा लिखना है, अभी प्लस शेक क्या लिखना है, अभिषेक ऐसा लिखना है। और एक बार पढ़कर दिखाती हूँ, अच्छी तरह सुनिए। सत प्लस जन सज्जन, भगवत प्लस दर्शन भगवत दर्शन, तत् प्लस लीन तल्लीन लिखना है, जगत नाथ जगन्नाथ, वाक प्लस ईश वागीश, स्व प्लस चंद स्वच्छंद लिखना है, सम प्लस कल्प संकल्प, साइन प्लस हार संहार, सम प्लस योग कैसे लिखना, संयोग। अभी प्लस शेख, जान करते समय कैसे लिखना, अभिषेक। प्र प्लस मान, इसे जोड़कर लिखते समय कैसे लिखना, प्रमाण लिखना है, प्रमाण ये ना लिखना है, प्रमाण। राम प्लस अयन रामायण, राम प्लस अयन रामायण ऐसा लिखना है। इस तरह ये सब व्यंजन संधि है, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम विसर्ग संधि इसके बारे में देख लेंगे। विसर्ग संधि, ये सब विसर्ग है ना, हम अब स्वर के बारे में पढ़े हैं ना, आ आ इ ई उ ऊ रु ए आई ओ औ, ये सब स्वर है। हम ये अनुस्वर है, हह ये विसर्ग है। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ नग पह इस तरह है ना, विसर्ग के साथ बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर ये विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और एक बार बताती हूँ, ये सब विसर्ग है, ये है ना, ये सब विसर्ग है। ये विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर ये विसर्ग में, ये विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब उदाहरण देख लेंगे, मनह प्लस हर मनोहर ऐसा लिखना है,
तपह प्लस वन तपोवन, रजह प्लस गुण रजोगुण, निह प्लस जन निर्जन निर्जन, दुग प्लस दशा दुर्दशा, अंतह प्लस आत्मा अंतरात्मा, ऐसा लिखना है। निह प्लस चल निश्चल लिखना है, निश्चल। निह प्लस संदेह निस्संदेह, इधर देखिए निस्संदेह ऐसा लिखना है। निग प्लस कलंक निष्कलंक, ऐसा लिखना है निष्कलंक। निह प्लस फल निष्फल, प्रातः प्लस काल वैसा ही लिखना है प्रातः काल, एयरली मॉर्निंग इसे क्या कहते हैं प्रातः काल कहते हैं ना। हंत है प्लस करण अंतकरण, निग प्लस रोग, इधर देखिए नी छोटी मात्रा में है, निह प्लस रोग नी रोग ऐसा लिखना है, नी बड़ी मात्रा में लिखना है नी रोग ऐसा लिखना है। निग प्लस रस नीरस ऐसा लिखना है, नी बड़ी मात्रा में होना चाहिए। और एक बार पढ़कर दिखाती हूँ, अच्छी तरह सुनिए। मनह प्लस अर मनोहर, क्या लिखना है मनोहर। ये विसर्ग के बाद व्यंजन स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मनह प्लस अर मनोहर, तपह प्लस वन तपोवन, रजह प्लस गुण रजोगुण, निह प्लस जन निर्जन, दुग प्लस दशा दुर्दशा, अंतह प्लस आत्मा, क्या लिखना है अंतरात्मा ऐसा लिखना है। निह प्लस चल निश्चल, निह प्लस संदेह, क्या लिखना है निस्संदेह, इधर देखिए निस्संदेह। निह प्लस कलंक निष्कलंक निष्कलंक, निग प्लस फल निष्फल, प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अंतः प्लस करण अंतकरण, निग प्लस रोग नीरोग नीरोग, निग प्लस रस नीरस। व्यंजन में मैंने य र ल व इधर तक बताइए, ये भी लिखना है श श स ह, इसलिए मैं और एक बार बताती हूँ स्वर क्या क्या है व्यंजन क्या क्या है इसके बारे में और एक बार बताती हूँ। स्वर ह अ आ इ ई उ ऊ रु ए ऐ ओ औ, ये सब स्वर है। हम अनुस्वार है, हह विसर्ग, अब पढ़े ना विसर्ग संधि। व्यंजन क क ग ग ञ च च ज ज ञ ट ट ड ड न त
त द द न प फ ब ब म य र ल व श श स ह। अगले मैंने ये नगी बताई, अब ये भी लिखना है, इसे याद में रखना है। अब समझ में ना, अब तक पढ़े है ना व्यंजन संधि विसर्ग संधि, इन सब के उदाहरण को, व्यंजन संधि के उदाहरण और विसर्ग संधि के उदाहरण को अच्छी तरह एक बार लिखिए, यही गृह कार्य है। धन्यवाद।